आप लोगों का मेरे चैनल जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, निफ्टी में आज के दिन 0.28% की गिरावट देखने को मिली। कई वैसे देखा जाए तो डाउजन की मार्केट कल के दिन तो पॉजिटिव थी 0.77% की, तो क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि अपनी मार्केट में आज गिरावट क्यों आई है। तो स्टॉप, कोई ऐसा ग्लोबल क्यूज़ नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। रीज़न ये है कि मार्केट में पिछले 5 दिन से काफ़ी अच्छा एक बुल रन देखने को मिला है, तो आज के दिन गाइस इसके अंदर आप ये कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए हल्की सी माइनर सी गिरावट देखने को मिल रही है। बट ओवर ऑल ओवर देखा जाए तो निफ्टी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, आप अगर 6 मंथ एंड साल भर का चार्ट देखो तो। गाइस वहीं आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। एक तो 3-4 ऐसी कंपनीज है ना जिनमें तो मतलब आप कह लीजिए एक को तो ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, और एक ने तो अपना मतलब सरकारी कंपनियों ने तो एक रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है ना। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो भी रिकॉर्ड तोड़ रहा होगा और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। देन गाइस दो ऐसे इंपॉर्टेंट और सेक्टर्स हैं जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों से, और आने वाली फ्यूचर में आप लोगों को उसके अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर इस सेक्टर के बारे में अभी आपने नहीं सोचा है ना तो वेट, जल्दी से स्टार्ट करें सोचना, क्योंकि इस सेक्टर में अगर आपको डिफेंस सेक्टर और रेलवे जैसी ग्रोथ आगे मिल गई तो फिर आप भी सोचोगे ना कि यार जबकि कम पे मिल रहा था, कम दाम पे, तो हमें तब ले लेना चाहिए था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, जो भागते हुए आप ये कह सकते हो भागते हुए शेयर को पकड़ रहे हैं, तो हर कोई मतलब उस तरफ जा रहा है लाइक रेलवे डिफेंस सेक्टर ही बाय कर लो। बस ऐसा नहीं गाइस, हर एक सेक्टर में धीरे 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 करके ग्रोथ आएगी, बजट को आ जाने दिए। जब बजट आएगा तो आप लोगों को चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे 2 सेक्टर में और ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है फ्यूचर में आपको इनके साथ जाना चाहिए, इन सेक्टर्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो पे एंड तक बने रहना पड़ेगा। एंड तक बने रहोगे तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कौन से वो 2 सीक्रेट सेक्टर्स हैं जिसमें आपको फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो सबसे पहले मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने चाह रही हूँ जिसको 243 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, एंड शेयरों पे आप कह लीजिए इन्वेस्टर्स बिल्कुल ही टूट पड़े। एंड अब आप कहोगे उस शेयर का नाम क्या है, हमें जल्दी से बताइए, जल्दी से उसके बारे में बताइए। तो चलिए आपका मैं ये सबर जो ये पेशेंस से ख़त्म करती हूँ और वीडियो जल्दी से स्टार्ट करके दोनों सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए स्टडी पर्पज़ से है, एंड जो भी इसके रिलेटेड न्यूज़ निकलती है मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ स्टडी करके, मुझे अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करती हूँ। लेकिन डिसाइड आप लोगों को करना है कि वो स्टॉक्स आप लोगों को पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं या नहीं करना है, अगर है तो कहां प्रॉफिट बुकिंग करनी है और किन स्टॉक को आपको होल्ड करके चलना है लॉन्ग टर्म के लिए। सो गाइस सबसे पहली कंपनी है जो है जी पावर लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, जिसमें 3.5% की तेजी देखने को मिली, 407 रुपये पे स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ। एंड अगर मार्केट कैप देखोगे तो 2000 करोड़ का है। मैक्सिमम मैं अगर बता दूँ तो इसके अंदर 614% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, हाई इसने 429 और लो इसने 152 मिला है। जैसे कि जीई पावर इंडिया लिमिटेड के शेयरों में अच्छी खासी आज के दिन मॉर्निंग में बहुत अच्छी एक तेज़ी देखने को मिली थी अगर आप देखोगे तो, है ना, काफ़ी एक अच्छी यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी थी गाइस। वहीं उसके बाद शेयर में आप कह लीजिए 52 वीक हाई पे पहुंच गया था, अगर आप देखोगे 429 यहाँ देखने को मिलता है और ये देखिए यहाँ पर 429 52 वीक हाई न्यू हाई आज क्रिएट करा है इसने, 52 वीक हाई टच किया है। एंड जीई पावर इंडिया के शेयरों में तेज़ी के पीछे की वजह थी 243.46 करोड़ रुपये का मिला नया प्रोजेक्ट। कंपनी को यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी जीई पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से मिला है, ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कहाँ से मिला है। एंड गाइस कल के दिन ये स्टॉक 393 रुपये पे मतलब 393 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, एंड आज के दिन स्टॉक में सुबह ही एक अच्छा सर्किट देखने को मिला, एक आप कह सकते हो 9.38% तक ये स्टॉक चढ़ा, 430 तक लेवल पर खुले हैं, जैसे आप देख सकते हो गिरा
ओपन लेवल गए इसका 400 हाई जैसे देख रहे हो ना, 2900 इस लेवल पे देखने को मिलता है बीएससी पे, अगर बीएससी पे जगह चेक करो तो। ये कंपनी का 52 वीक हाई है एंड मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रही थी, देन अभी देखो क्लोजिंग टाइम पे ये आपको 407 पे क्लोज होती नजर आई है। कंपनी शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत वानाकुबरी थर्मल पावर स्टेशन के यूनिट 1 और यूनिट में लगे LMZ स्टीम टर्बाइंस को आधुनिकरण के साथ साथ दुरुस्त करना है। दोनों ही यूनिट की अकेली क्षमता 210 मेगावाट की है। कंपनी को यह काम 33 मंथ्स में पूरा करना है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अगर देखो एक साल में इसने लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा डबल किया है, एंड देखिए पिछले एक साल के अंदर अगर मैं बताऊँ तो उसने 150% का रिटर्न दिया एंड इस दौरान पोजिशनल इन्वेस्टरों का पैसा भी दोगुना से भी अधिक हो गया। जबकि गाइस अभी आप देख रहे हो निफ्टी में आज दबाव था, लेकिन फिर भी स्टॉक काफ़ी अच्छा इसने रन करके दिखाया। तो मैं आपको ये कहूँगी थोड़ा सा आप उसको रडार लेवल पे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक पोटेंशियल है मल्टीबैगर रिटर्न देने का एंड इसका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा छोटा है एंड मार्च क्वार्टर तक इस कंपनी में प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 68% से भी अधिक की थी। प्रमोटर्स लंबे समय से अपनी पोजिशन को होल्ड किए हुए हैं, वहीं पब्लिक के पास 27% तक की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। तो गाइस अगर आपको डाउट है तो आप चेक करके चल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई है। ये स्टॉक थोड़ा सा रेडा लेवल पर चले गाइस। वहीं अब एक और सरकारी कंपनी है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, देखिए 1,00,000 रुपए की इन्होंने सरकारी कंपनियों ने 10,00,000 रुपए बना दिए 2 साल के अंदर। ये कुछ सरकारी कंपनीज हैं, टोटल 3 कंपनीज हैं ऐसी। जिससे पहले है गाइस अगर आप देखोगे ये जेई पावर 5 साल में, मैं आपको दिखा दूँ, 1 साल में देखिए 45 एंड 6 मंथ में 84। ये आगे कंपनीज क्या नाम है गाइस, रेल विकास निगम, ठीक है। इसके बारे में तो आप कहोगे कि अरे इसके बारे में तो हमें पता था, सुनते तो जाइए ज़रा। जेई पावर के मैंने बारे में बता देना आपको, 6 मंथ में 84% और 1 साल में 145 में 150% तक का रिटर्न था। मोटा मोटा तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया था, वर्बली चार्ट भी मैंने अब आपको लोगों को दिखा दिया। अब RVNL की बात की जाए तो आज के दिन देखो इसके अंदर 5.5% तक भी ज़्यादा की तेज़ी है, नियर अबाउट 6% की तेज़ी आप कह सकते हो एंड 409.90 पे स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ है। 85,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसने हाई आज के दिन 417 रुपये बनाए हैं एंड अगर 52 वीक हाई देखोगे तो 425 है और लो 117 रुपये देखने को मिलता है। सरकारी कंपनी के शेयर ने पिछले कुछ साल में आपको बताया गजब रिटर्न दिया और वही सरकारी कंपनियों के शेयर के अंदर आपकी RVNL भी आ जाती है, जिसने 2 साल में 1500% तक का रिटर्न दिया है। इन कंपनियों के शेयरों ने पिछले 2 साल में 1,00,000 का 10,00,000 रुपए कर दिया। सो गाइस देखिए अब पैसे तो लोगों के, काफ़ी लोगों के डबल तो कर ही दिए हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि रेल विकास निगम ने पिछले, आप कहोगे ना कि पिछले 2 साल के अंदर मोटा मोटा, मतलब मोटा मोटा वैसे बताऊं सब कुछ हटाकर तो 1265% तक का रिटर्न देखने को मिलता है एंड रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर 24 जून 2022 को 30.15 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे एंड रेल कंपनी के शेयर 21 जून आज के दिन 417 का हाई लगा चुके हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने अब तक उसमें इन्वेस्ट करके होल्ड किया होगा ना, 24 जून में अगर इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो 1,00,000 का गाइस 13,00,000 रुपये बन गया होगा मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेट करो तो, ठीक है। गाइस वही बहुत अच्छी एक और कंपनी निकल कर आती है, आपको कंपनी कौन सी है वो है गाइस, अगर आप पहले देखो मैं आपको दिखा दूँ, 5 साल में 1452% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। माजागन डॉक है, माजागन डॉक की बात की जाए तो 2.70% की गिरावट है। कई पिछले 2 साल के अंदर माजागन डॉक ने 1500% का रिटर्न दिया है एंड ये भी 24 जून 2022 को ना इसी तारीख के दिन, मतलब पिछले 2022 में 245 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे एंड माजागन डॉक शिप बिल्डर के शेयर ने आज के दिन, मतलब अगर आज का इसका हाई बोला जाए तो 4015 रुपये देखने को मिलता है। अगर किसी भी पर्सन ने 24 जून 2022 को इसके अंदर 1,00,000 रुपये लगाया होगा तो अगर मोटा मोटा अगर कैलकुलेट करो तो 16 लाख 15 लाख के अराउंड बन चुका होगा, ठीक है। वही नेक्स्ट कंपनी कोचिन शिपयार्ड है। कोचिन शिपयार्ड को देख लो,
क्वेश्चन शिपयार्ड के बारे में आज के दिन में समस्या है। 7% की गिरावट देखने को मिलती है। स्टॉक प्राइस जब चढ़ जाते हैं तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है, घबराने की कोई बात नहीं है। 56,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, इसने हाई 2240 रुपये बनाया है आज के दिन। कैसे अगर मोटा मोटा इसका भी बात की जाए, 2 साल में इसने 1285% का रिटर्न दिया है। अगर वही 24 जून 2022 को, मतलब आज के दिन आज से 2 साल पहले किसी ने इस पे अगर पैसा लगाया होगा और जब ये 155 रुपये 93 पैसे पर चल रहा था और आज के दिन तक होल्ड किया होगा, तो उसका पैसा मैं आपको तो 1,14,00,000 बन चुका होगा। गाइस यही तो बात हो जाती है ना, अरे आरबीआईनल, माजागोंडा, कोचिन शिपयार्ड, गाइस यही कंपनीज हैं जो आपको रिटर्न अच्छा अच्छा देकर जाती हैं। बाकी और कौन सी कंपनीज आपको मिल सकती हैं? देखिए कहने को तो बहुत सारी कंपनीज है, ढूंढने निकलो दो। पेन स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जैसे बोंडाडा इंजीनियरिंग को देख लो, आए हुए टाइम नहीं हुआ था उसको 10 महीने में, उसने 1600-1700% का रिटर्न दिया है। मतलब गाइस यही एक चीज़ सामने निकल कर आते हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि ऐसी बहुत कम कंपनीज है जो जिनका आईपीओ आए हैं और उन्होंने 10-12 महीने में 1000 से ऊपर के रिटर्न दे चुके हैं। सो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए। लेकिन अब जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसी मिड कैप कंपनीज आप लोगों को बता दी हैं, आरबीआई, माजागोंडा, कोचिन शिपयार्ड, जीई पावर इंडिया लगा लो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन 4 कंपनियों को डाला पर भी लेकर चलिएगा। गाइस वहीं जो सेक्टर है जिसके बारे में आप इंतजार कर रहे थे, मैं बता दूँ उस सेक्टर का नाम है एग्रीकल्चर। गाइस बड़े प्राइवेट बैंक ना अभी भी सस्ते नहीं हैं, कृषि, ग्रामीण, इकोनॉमिक और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े शेयरों में निवेश के मौके भी मिल रहे हैं लोगों को। गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, बाजार जो है ना उसकी आगे की तो दिशा है, जो दिशा है अगर उसकी बात करें तो जो पाइपर सेरिका के संस्थापक हैं, फंड मैनेजर हैं अभय अग्रवाल, इनका आप थोड़ा सा मिंट पे जाकर स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी न्यूज़ में चेक करना है ना तो मिंट या मनी कंट्रोल कहीं पर भी जाकर इनका स्टेटमेंट चेक करना। उसमें इन्होंने बात बताया है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया का 3 दशक का अनुभव है उन्हें। अभय जी जेपी मॉर्गन के साथ काम कर चुके हैं और खास तौर से मल्टी बैगर शेयर तलाशने के लिए भी जाने जाते हैं। ये आपने नाम सुना होगा वैसे उनका, आई होप, नहीं तो कोई बात नहीं। गाइस बड़े प्राइवेट बैंक अभी भी सस्ते नहीं हैं, उन्होंने ये बात बोली है। अभय अग्रवाल की राय है कि वोडाफोन PLC और इंडस टावर डील पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक शुभ संकेत है। बाजार पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनने के बाद अब चुनावी सीजन की अनिश्चितता खत्म हो गई है। मतलब जो एक संकट था कि भाई वोट आने वाले हैं, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, तो वो सब चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। बजट का बात चल रही है, अब देसी और विदेशी इन्वेस्टर्स ये देख रहे हैं कि उनके पास भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए कहां पर मौके दिख रहे हैं। प्राइवेट बैंकों में अब तक काफ़ी टाइम करेक्शन हुआ है, इनमें बड़े फंडों की काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग भी है, लेकिन अभी भी ये कहना कि बड़े प्राइवेट बैंक जो है ना वो अभी भी सस्ते नहीं हैं। कॉस्ट बढ़ने के चलते इनकी NIM पर दबाव कायम रहेगा, बड़े प्राइवेट बैंकों में बड़े इनफ्लो की उम्मीद कम है, ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने बोली हैं। उनका ये भी मानना है कि आने वाले बजट में और अगले 4 से लेकर 5 साल तक सरकार का फोकस एग्री इकोनॉमिक मतलब एग्रीकल्चर पर बना रहेगा। कोविड के बाद से और भी हमारी एग्रो इकोनॉमिक काफ़ी मुश्किल से गुजर रही है। नई सरकार में शिवराज सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया है, इससे लगता है कि एग्री सेक्टर पर सरकार का खास फोकस रहेगा। फर्टिलाइज़र को जीएसटी के दायरे से बाहर करने के ऐलान से इसकी पुष्टि भी की गई है। गाइस देखिए चीज़ें अब देख लो ना किस वे में जा रही हैं, तो आई होप अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी क्यों मैंने इसको सीक्रेट सेक्टर बोला है, एग्रीकल्चर को, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बजट में हमें क्रॉप प्रोटेक्शन और फसल बीमा पर कुछ नया होता हुआ दिख सकता है। बजट में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी पॉजिटिव ऐलान हो सकता है। इन पर 18% GST इसको कम किया जा सकता है। अभी को लगता है कि नई सरकार का एग्रीकल्चर, ग्रामीण, इकोनॉमिक और इंश्योरेंस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस वो कर सकती है सरकार। ऐसे में जो स्टॉक इन सेक्टरों से जुड़े होते हैं इनमें आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो गाइस मोटा मोटा तो जो मुझे एग्रीकल्चर में नज़र आया ना वो नोवा एग्री टेक करके आप चेक कर सकते हो, तो उस पर आज ही के दिन मैंने इन्वेस्ट किया है।
क्योंकि मुझे उसका फंडामेंटल ठीक लगा, चार्ट ठीक लगा, तो मैंने तो गैस उसकी क्वांटिटीज बाय कर लिए। बाकी आपके पास कितनी कैपिटल है आप उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करके मंडे बाय करके चल सकते हो। ठीक है, करेक्शन देखिए उसमें हो रहा है, तो करेक्शन में किसी स्टॉक को बाय करो ना तो एक अपॉर्चुनिटी होती है उसके बढ़ने की। अगर भागते हुए शेयर को पकड़ोगे तो क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप देखिए देख सकते हैं, थोड़ा सा चेक करके चल सकते हैं। बाकी मैं एक और सीक्रेट सेक्टर आपको लोगों को बताने जा रही हूँ, ठीक है। उससे पहले मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, अभी आप चेकआउट करके चल सकते हो। लेकिन आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी भी कुछ कम नहीं है। अडानी ग्रुप हमारे देश के सबसे मूल्यवान ग्रुप में से एक है, और आपको पता है जब भी पॉलिटिकल की बात आएगी ना अडानी ग्रुप के शेयर में देखना सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कुछ सालों में ही ग्रुप ने अपनी बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है इनके, ठीक है। अडानी ग्रुप के जो गौतम अडानी हैं उनको जो देश में से एक बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बंदर पोर्ट हो गया, एंड जो एनर्जी सेक्टर हो गया उससे जुड़ी प्लानिंग को डेवलप करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में कृषि के द्वारा आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर द कैटलिस्ट फॉर इंडियाज फ्यूचर कार्यक्रम में अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि वे आने वाले समय में ग्रीन ऊर्जा से जुड़ी हुई प्लानिंग मतलब प्रोजेक्ट्स के निर्माण और उनके विस्तार और संचालन के लिए एक बड़ा निवेश करने में कर सकते हैं। मतलब लाइक आप ये कह सकते हो कि वो एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी के अंदर, अडानी जी ने ये अपनी स्पीच में कहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, देखिए स्टॉक तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से, टाटा पावर मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ। देखिए गौतम अडानी ने ये भी कहा कि अडानी ग्रुप देश की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स और निर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए आने वाले एक दशक में $100 मिलियन का निवेश करेगा, जिसका एक बड़ा हिस्सा ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट में मदद करेगा, कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च किया जाएगा, जिससे देश को ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में मतलब एरिया में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कहीं इसके अलावा कंपनी स्वच्छ ईंधन पर मतलब क्लीन एनर्जी क्लीन फ्यूल फ्यूल बोल लो उस पर भी ध्यान केंद्रित करती हुई देखी जा रही है, जिसके लिए कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर की स्थापना करने वाली है। देखिए मैंने अभी पहली वीडियो जो बनाई है ग्रीन हाइड्रोजन में बनाई उसमें स्टॉक्स बताए, तो आप उसको थोड़ा वॉच आउट करके चलिएगा। कहीं इस इलेक्ट्रोलाइजर की सहायता से पानी में से हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, इससे प्राप्त होने वाले ग्रीन हाइड्रोजन से वाहनों को मतलब जो व्हीकल्स हैं उनको चलाया जा सकेगा, जिससे देश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा, पॉल्यूशन को कम किया जा सकेगा। देखिए अडानी ग्रुप के आने वाली अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए कंपनी गुजरात के कक्ष में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी पार्क का निर्माण कर रही है। इस एनर्जी पार्क को कक्ष के कवाड़ा में मौजूद बंजर भूमि के 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है, जो पेरिस से पाँच गुना मतलब पेरिस से पाँच गुना और मुंबई के क्षेत्रफल से भी बड़ा होने वाला है। आप सुन रहे हो क्या बात कही गई है, पेरिस से पाँच गुना और मुंबई से भी उसके एरिया से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। गौतम अडानी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि देश GDP ग्रोथ के अनुसार आने वाले कुछ समय में हर 12 से 18 महीने में देश के GDP में $1 ट्रिलियन का इजाफा होता हुआ देखा जाएगा, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2050 तक $30 ट्रिलियन वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी हमारी जो इंडिया है। आप सुन रहे हो ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी के अंदर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय शेयर बाजार को लेकर मतलब देश में जिस रफ्तार से शेयर मार्केट में इन्वेस्टरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और शेयर मार्केट की मार्केट कैप में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार या आप कह लीजिए शेयर बाजार 2050 तक $40 ट्रिलियन का आंकड़ा छू सकता है। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन को छुआ है, एंड देखा जाता है कि आने वाले 26 वर्षों में देश के शेयर मार्केट में $35 ट्रिलियन की तेजी देखने को मिल सकती है। तो गाइस आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं। गाइस यही रीज़न है कि मैंने इसको मतलब इन सेक्टर्स को सीक्रेट सेक्टर्स बोला है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और आप लोगों को मैं अपनी वीडियो में सबसे पहले बता रही हूँ, थोड़ा सा फोकस करके चलूँ। बाकी गाइस कुछ तो स्टडी करो, चेक करो द इन्वेस्ट को, चाहे फिर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।